अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर पाकिस्तानी 786 यूट्यूब चैनल। आप सबों का वेलकम है इस वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं तलाबात के नए रेट के रिलेटेड, क्योंकि तलाबात के जो राइडर्स हैं उन्होंने रिसेंटली स्ट्राइक की थी, वो स्ट्राइक तो सक्सेस नहीं हुई, तलाबा डिलीवरों की सक्सेस हुई थी। और इसके रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे कुछ टॉप जो है वजूहत मैं आपसे शेयर करूँगा कि तलाबात की क्यों नहीं सक्सेस हुई थी और डिलीवरों की क्यों सक्सेस हुई। तो सबसे पहले बता दूँ, मैं ये जो वीडियो है तलाबात के नए रेट का जो स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड जो है ना आप बनाने चाह रहा हूँ, ये वीडियो उसी के रिलेटेड आपसे है। और तलाबात का जो नया रेट अनाउंस हुआ है उन्होंने इस रेट को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तो उन्होंने वेरिएबल अलाउंस में कर दिया, दूसरा कैंसल ऑर्डर कंपनसेशन में कर दिया, तीसरा इसे उन्होंने ड्रॉप ऑफ में कर दिया। 3 हिस्सों में से उन्होंने रेट को डिवाइड कर दिया। पहले था रेट जो था 7.50 था, आपने पिक करना है और ड्रॉप ऑफ करना है तब आपको 7.50 मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ है, यहाँ पे कुछ अलग ही रेट है, यहाँ पे कुछ अलग ही स्ट्रक्चर है जो हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये दुबई में या जो लोग नए आना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ कि तलाबात की जो स्ट्राइक है राइडर्स ने की थी वो सक्सेस क्यों नहीं। उसके दो बड़ी वजह थी। एक वजह थी कि तलाबात के राइडर्स एक पेज पे नहीं थे। दूसरे नंबर पे तलाबात के जो राइडर्स हैं उन्होंने जो स्ट्राइक की थी वो करेक्ट टाइम पे नहीं की थी, वो टाइम नहीं था स्ट्राइक करने का, दो चीज़ें। और जो डिलीवरों का स्ट्राइक था वो सक्सेस क्यों हुआ, उसके सक्सेस होने की भी दो ही वजह थी, दैट ऑल राइडर वाज ऑन द वन पेज एंड दैट वाज अ करेक्ट टाइम स्ट्राइक इन द ईद फेस्टिवल। ये दो वजह थी। तो आपको ये दो वजह हैं, बाकी डिटेल में मैं इस पे जाना नहीं चाह रहा, तो आपको समझ आ गई होगी इन दो वजहों पे। तो चलते हैं हम अपने जो अभी तलाबात ने जो स्ट्रक्चर अपने जो रेट अनाउंस किए उसमें तीन जो टॉयस में हिस्सों में तकसीम कर दिया है तलाबात ने अपना रेट। जो पहला है वेरिएबल अलाउंस, ये क्या है, मतलब वेरिएबल अलाउंस क्या है, ये मतलब इसको कहते हैं डिस्टेंस अलाउंस। मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं क्रीम में काम करते हैं लोग, यहाँ अभी यहाँ पे एक चाइना की कंपनी है नई इंटरनेशनल सिटी में दुबई में, मतलब कि पर किलोमीटर वो आपको देते हैं 1 दिरहम। तो इस तरह तलाबात ने ये सिस्टम किया, लेकिन ये है आप 2 किलोमीटर के बाद, तलाबात ने हर दो किलोमीटर के बाद आपको 20 फ्यूल्स जो है पर किलोमीटर आपको देगी। मतलब अगर आप एक ऑर्डर उठाते हैं तो वो उठाने के बाद जब आप 2 किलोमीटर के बाद 5 किलोमीटर तक आप डिस्टेंस जो है अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको देगा 7.5 के बजाय 8 दिरहम 10 फ्यूल्स। अगर आप ये 7 किलोमीटर तक चले जाते हैं तो ये 9 दिरहम 10 फ्यूल्स आपको देगी तलाबात। तो इस तरह जैसे डिस्टेंस आपका थोड़ा इंक्रीज़ होता जाएगा, आपका रेट 20 फ्यूल्स पर किलोमीटर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है इनका वेरिएबल अलाउंस का। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा रेट कम है, बहरहाल चलते हैं अब हम कैंसल इसका मतलब कैंसल ऑर्डर जो है कंपनसेशन की तरफ। जो कैंसिल ऑर्डर है इसका क्या चक्कर है, ये जो दूसरा टॉपिक है। देखें ये जो होता है जो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग जब भी तलाबात देती थी तो तलाबात राइडर कहते थे सर जब भी हमारे पास ऑर्डर आता है हम इतना वेट करते हैं, तो ये ऑर्डर जब कैंसिल होता है हमें उसके पैसे मिलने चाहिए। तलाबात ने इस जो नया स्ट्रक्चर है इसमें ये चीज़ भी ऐड कर दी है ताकि तलाबात के जो राइडर्स हैं उनका ये जो किला है शिकवा ख़त्म हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले भी 7.5 में आप ऑर्डर उठाते थे डिलीवर करते थे तो ही 7.5 मिलते हैं, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप ऑर्डर जाकर रेस्टोरेंट पर पहुँच जाते हैं ठीक है, पहुंचने के बाद अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो इस पे हम थोड़ी बाद में करते हैं बात। लेकिन इसमें बता दूं कि जो इनका जो है कैंसिल ऑर्डर का जो है मंसूब ऑर्डर का मुआवजा है इसका क्या तरीकाकार है, इसमें जो है पिकअप ऑर्डर जो है जब आप एक रेस्टोरेंट पे कोई तलाबात का कोई भी राइडर जाएगा रेस्टोरेंट पर पहुँच जाएगा जाके ठीक है रेस्टोरेंट पर पहुँच जाएगा, तो वहाँ से जब वो ऑर्डर रिसीव करके पिकअप करेगा ऑर्डर को उठा के अपने बैग में रखेगा तो उस वक्त उसको 2.5 दिरहम मिल जाएंगे, 2.50 दिरहम मिल जाएंगे। जब वहाँ से ऑर्डर उठाने के बाद वो कस्टमर के पास जाके ऑर्डर ड्रॉप ऑफ कर देगा एज अ फुली रूल्स जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन है तलाबात की तरफ से, पिक्चर लेके अपलोड करनी है सब कुछ करना है, उसके बाद जब वो कंप्लीट करेगा अपनी हर चीज़ कंप्लीट करने के बाद तब उसको 5 दिरहम मिल जाएंगे, मतलब 2.50 दिरहम पिकअप के
और ड्रॉप ऑफ के 5 दिरहम, तो इस तरह हो गए 7.5 दिरहम। ठीक है, ये तो ऑड रेट हो गया, समझिए। अभी इसका जो डिस्टेंस है अलाउंस है, इसका डिस्टेंस अलाउंस है, वेरिएबल अलाउंस है, वो है, आपको पहले बता चुका हूँ, 25 पर किलोमीटर आफ्टर 2 किलोमीटर। आफ्टर 2 किलोमीटर कंप्लीट यू कंपनी आपको देगी 25। ओके, तो इस तरह बनता है आपका पिकअप प्लस ड्रॉप ऑफ प्लस वेरिएबल अलाउंस। तो ये डाल के आप जितने मतलब 2 किलोमीटर का आप करेंगे उसके हिसाब से 25 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप 5 किलोमीटर करते हैं तो आपको जो है 8 दिरहम 10 फिल्स मिलेगा, 7 किलोमीटर करते हैं तो 9 दिरहम 10 फिल्स आपको पर ऑर्डर मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ शरायत है, ठीक है, उसमें शरायत ये है कि अगर आप जब ऑर्डर पिकअप करते हैं तो पिकअप करते वक्त जो है आप वहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिसीव्ड कैप्चर, आपको वहाँ पे पिक्चर लेनी पड़ेगी उस ऑर्डर की, लेके उसको अपलोड करने के बाद पिकअप करना है। ठीक है, ये जो पूरे इंस्ट्रक्शन तलाबात ने बताई है कि ये जो स्टेप्स तलाबात ने बताए हैं ऑर्डर पिकअप करने के, ड्रॉप ऑफ करने के, पिक्चर्स के, स्पेशली इसमें ज़्यादातर है नहीं, तो आपको फॉलो करना पड़ेंगे हर सूरत में। ऑर्डर पिकअप कर लिया, 250 मिल गया आपको, ड्रॉप ऑफ कर दिया पिक्चर के साथ एज अ प्रूफ, जब आप कस्टमर की लोकेशन पे जाते हैं, डोर पे जाते हैं, डोर के जो आप पिक्चर लेके आप ड्रॉप अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा, डिस्टेंस की पेमेंट भी मिल जाएगी, जो वेरिएबल अलाउंस है साथ में जो आपको ड्रॉप ऑफ है 5 दिरहम वो भी मिल जाएगा। तो मतलब पिकअप प्लस ड्रॉप ऑफ वेरिएबल अलाउंस सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये आपके जो है जिस तरह पहले तलब आपके पैसे शो होते हैं, आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। तो सेकंड थिंग, आप बात करते हैं कि जब आप रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हैं, रेस्टोरेंट के लोकेशन पे जब आप पहुंच जाते हैं ऑर्डर पिकअप करने के लिए, और वहां पे पहुंचने के बाद जब ऑर्डर कैंसिल होता है, उस सूरत में आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही लोगों को नहीं पता चलता, क्योंकि इसी चीज़ पर लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अभी जब आप रेस्टोरेंट पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जाके आप 10-15 मिनट वेट करते हैं, शर्त यह है कि ऑर्डर आपकी वजह से कैंसिल नहीं होना चाहिए, आप खुद कैंसिल मत करवाएं, तब आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जब आप रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, वेट करते हैं 15-10 मिनट, वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट की वजह से या तलाबात के खुद की किसी नाहली की वजह से या कस्टमर की किसी वजह से या कस्टमर कैंसिल करवा देता है, जब वहाँ पे पहुंचने के बाद ऑर्डर कैंसिल होगा तो तब भी आपको 250 मिल जाएंगे। ठीक है, या जब आप ऑर्डर ले लेते हैं, लेने का पिकअप कर लेते हैं, तब भी आपको 250 मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप ऑर्डर लेकर कस्टमर की लोकेशन पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, आप जाने के बाद कस्टमर को कॉल करते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है या लॉक डोर नहीं ओपन कर पा करता, या इस तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, तो वहाँ पे भी अगर आपका ड्रॉप ऑफ लोकेशन पहुँचने के बाद आपका कस्टमर से जो है रब्ता नहीं हो पा रहा, तो ऑर्डर कैंसिल होना हो गया, ये कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, ये तो आप तलाबात का आपको सबसे पहले जो बनता है, आपको तला जो फ्रेश चैट है उस पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर ये सूरत हाल है, फ्रेश चैट पे इस कस्टमर के जो अपार्टमेंट है उसकी पिक्चर लेके आप सेंड करेंगे, सर मैं इस कस्टमर की लोकेशन पे खड़ा, तो कस्टमर इस तरह रब्ता नहीं कर पा रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहे हैं, इस तरह जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप फ्रेश चैट पे बताएं। उसके बाद जब ऑर्डर कैंसिल होगा आपको वो 5 दिरहम भी मिल जाएंगे, उसमें डिस्टेंस का नहीं मिलेगा, वो 5 दिरहम ड्रॉप ऑफ के पिकअप के वो आपको मिल जाएंगे, और लेकिन मिलेंगे तब जब आप ऑर्डर कैंसिल होने के बाद रेस्टोरेंट पे वापस जाएंगे। रेस्टोरेंट पे वापस जाने के बाद वहाँ पे जो रेस्टोरेंट पे वेंडर होगा, उस वेंडर को आप ऑर्डर वापस करेंगे, ऑर्डर वापस करते वक्त आपने वहाँ पे पिक्चर लेनी है और वेंडर का नाम पूछना है, अपने फ्रेश चैट पे वो पिक्चर अपलोड करनी है, साथ में वेंडर का नाम बताना है, सर मैंने रेस्टोरेंट पे आके ऑर्डर वापस करके वेंडर को ये फलां नेम है वेंडर का, ठीक है, उसको ऑर्डर वापस कर दिए, जब से ऑर्डर आपका कैंसिल होगा आपको उसकी भी पेमेंट मिलेगी। तो ये स्ट्रक्चर है सारा जो अभी तलाबात ने अनाउंस किया। और सेकंड थिंग के एक 3PL कॉन्ट्रैक्टर, दुबई में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर एक 3PL एक 4PL होता है, आपको ये बता दो 3PL और 4PL होता क्या है। 3PL कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसका डायरेक्ट तलाबात मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और 4PL कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जैसे कि जो चौथे नंबर पे बंदा होता है, जो फोर्थ नंबर पे बंदा होता है,
जैसे कि मैं हूँ, मेरा ट्रैक तलाबाद के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मैं हूँ 3PL, और अगर तीसरा बंदा आता है वो आकर मुझे बोलता है कि भाई मेरे पास 20 बंदे हैं, मेरा तलाबाद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझसे लें, मुझे ये रेट दें और आप आगे आप तलाबाद को जिस रेट पर मर्जी दें, तो वो जो तीसरा बंदा होगा वो 4PL होगा, मैं 3PL हूँ क्योंकि मैं ट्रक तलाबाद के साथ हूँ, तो तलाबाद मैनेजमेंट जो है वो 2PL होगी, 2PL तलाबाद मैनेजमेंट, 3PL जो तलाबाद के साथ डायरेक्ट है, जो अब मेरे साथ डायरेक्ट होगा वो होगा 4PL, वो कहते हैं 4PL। 3PL जो बंदा है वो बंदा अब तलाबाद ने उनके साथ मुआहदा किया, तलाबाद ने उनके साथ जो है ये डील हुई है कि वो अपने राइडर्स को महीने में 2 बार सैलरी रिलीज करेंगे। तो ये है इस तरह का स्ट्रक्चर है तलाबाद का, लेकिन अभी देखें क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अभी ये 1 जुलाई से ये स्ट्राइक रेट है ये स्टार्ट होगा, अभी फिलहाल 1 जुलाई तक जो है यही रेट जो 7.5 यही चलेगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, अगर आप लोगों को मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, और आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पर रब्ता करें, इंस्टा किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मैं अभी जो नेक्स्ट टाइम ये करूँगा अपना फेसबुक लिंक भी दूँगा और साथ में इंस्टा का लिंक भी दूँगा दोबारा से, तो जिसको भी रब्ता करना है उनसे फेसबुक